गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम। वेलकम बैक टू साइंस क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लेसन नंबर 5, सोर्सेस ऑफ वाटर। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट पोटेबल वाटर। इन द प्रीवियस पीरियड वी लर्न अबाउट अंडरग्राउंड वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर पोल्यूशन। I hope that what I told you in the previous period was understood well by me. Now let's start. Open page number 31. Please take your pencil and write CW and today's date 24 October 2020, day Saturday. Now let's start. Potable water. Water can be made safe to drink by boiling. Most germs die quickly at high temperatures. Water that has been boiled for 1 minute is safe to drink after it has cooled. Now, what do you mean by potable water? Potable water, it means which means safe for drinking. It is very important for us to drink water which is potable. And potable which means safe for drinking. जो पीने के लिए सुरक्षित है। वाटर कैन बी मेड सेफ टू ड्रिंक बाय बॉइलिंग। पानी को बॉइल करके पीने के लिए उसको सुरक्षित बनाया जा सकता है, सेफ किया जा सकता है। मोस्ट जर्म्स डाई क्विकली एट हाई टेम्परेचर्स। मोस्टली जर्म्स या हाई टेम्परेचर्स पर जल्दी मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं। वाटर डैट हैज़ बीन बॉइल्ड फॉर 1 मिनट is safe to drink after it has cool. 1 मिनट के बाद बॉईल किया गया पानी ठंडा होने के बाद पीना ये सेफ है, सुरक्षित है। रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर्स रिमूव बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड कैन ऑल्सो रिमूव हार्मफुल सॉल्ट्स फ्रॉम वाटर। रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर यह बैक्टीरिया और वायरस को रिमूव करते हैं और वाटर को हार्मफुल सॉल्ट को भी निकाल कर बाहर कर सकते हैं। ओके, इट मीन्स वाटर में जो हानिकारक जो हार्मफुल सॉल्ट रहता है उसको भी निकाल सकते हैं। आरओ फिल्टर्स आर वाइडली यूज टूडे टू प्योरीफाई वाटर। सभी को पता है कि आरओ का पानी ये प्यूरीफाई करने के लिए इस फिल्टर का आज वाइडली उसका यूज़ किया जा रहा है। केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स सच एज क्लोरीन और आयोडीन व्हेन एडेड इन कैलकुलेटेड अमाउंट्स कैन आल्सो प्यूरीफाई वाटर। केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स इट मीन्स क्लोरीन एंड आयोडीन जो कि वाटर को प्यूरीफाई करते समय इसका अमाउंट जो रहता है क्लोरीन एंड आयोडीन का इसका अमाउंट कैलकुलेटेड किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट्स इट मींस केमिकल प्रोसेस दैट किल्स ऑल टाइप ऑफ लाइफ। मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं, बैक्टीरिया जो रहते हैं वाटर में, उसको प्यूरीफाई करने के लिए क्लोरीन एंड आयोडीन का यूज़ किया जाता है। ओके, देन उस वाटर को प्यूरीफाई किया जाता है। अल्ट्रावायलेट लाइट एंड सोलर रेडिएशंस कैन ऑल्सो प्यूरीफाई वाटर। अल्ट्रावायलेट लाइट एंड सोलर रेडिएशंस यह भी वाटर को प्यूरीफाई कर सकते हैं। यू नो वेरी वेल मोस्ट जर्म्स डाई क्विकली एट हाई टेम्परेचर्स। तो जो सोलर रेडिएशंस रहते हैं उसके थ्रू वाटर को प्यूरीफाई किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जनरली जो जर्म्स रहते हैं ये हाई टेम्परेचर पे डाई हो जाते हैं। ओके, इसका ये मतलब है इट मीन्स सो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस मीन्स ऑफ क्लीनिंग कंटेमिनेटेड ऑफ वाटर। मतलब ये वाटर को पूरी तरह से प्यूरीफाई करते हैं। ओके, अल्ट्रावायलेट लाइट एंड सोलर रेडिएशंस द वाटर प्रोवाइडेड बाय द म्यूनसिपलिटी इज क्लीन एज इट हैज़ बीन फिल्टर्ड एरेटेड एंड ट्रीटेड विथ केमिकल्स टू रेंडर इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग।
स्पेशली आप लोगों को पता है कि नगर पालिका के द्वारा, म्यूनसिपैलिटी के द्वारा जो वाटर प्रोवाइड किया जाता है वह क्लीन रहता है, क्योंकि इसके पीने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जो कि वाटर को फिल्टर किया जाता है। एरेटेड इट मीन्स इसमें क्लोरीन और आयोडीन यूज़ करके उसको ट्रीटेड करके केमिकल्स के साथ उसको मतलब पीने के लिए एकदम सेफ किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। इसीलिए जो नगर परिषद के द्वारा या नगर पालिका के द्वारा जो वाटर प्रोवाइड किया जाता है वो क्लीन रहता है। नाउ नेक्स्ट, बट विद द हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन टुडे इट इज़ सेफर टू यूज़ वाटर दैट हैज़ बीन फर्दर प्योरीफाइड। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि पोल्यूशन के हाई लेवल्स के साथ ये वाटर का यूज़ करने के लिए सेफ किया गया है, जिसे आगे प्योरीफाइड किया गया है। Thus, it is not only important for us to use clean water, it is equally or more important to prevent contamination of our water resources. इस प्रकार हमारे लिए न केवल क्लीन वाटर का यूज़ करना इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये हमारे वाटर रिसोर्सेज के पोल्यूशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके डियर, मेथड ऑफ प्यूरिफाई वाटर, इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ फैक्ट फाइल। 75% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ ये 75% वाटर से कवर्ड है। 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज इन द ओशियन। वर्ल्ड के 75 फ्रेश वाटर को, इट मीन्स 75% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज फ्रोजन इन द पोलर आइस कैप। अर्थ का 97 वाटर ये ओशियन में है। देन वर्ल्ड के 75% फ्रेश वाटर को पोलर आइस कैप में फ्रोजन किया गया है, मतलब वो जमा हुआ है। ओनली 3% ऑफ द अर्थ वाटर कैन बी यूज एज ड्रिंकिंग वाटर। अर्थ के वाटर का केवल 3% का यूज़ ड्रिंकिंग वाटर के रूप में किया जा सकता है। ऑल्दो अ पर्सन कैन लिव विदाउट फूड फॉर मोर देन 1 month, अ पर्सन कैन ओनली लिव विदाउट वाटर फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 week। हालांकि एक पर्सन मतलब 1 month के अधिक से समय तक फूड के बिना रह सकता है, जीवित रह सकता है, बट एक पर्सन केवल बड़ी मुश्किल से मतलब लगभग 1 week तक पानी के बिना रह सकता है। ओके डियर, इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टूड एवरीवन? पोटेबल वाटर। नाउ लेसन इज ओवर। नेक्स्ट पीरियड वी विल लर्न अबाउट स्मॉल रिकैप एंड एक्टिविटीज। ओके डियर, बाय। Take care, stay home, stay safe. Your homework is read this lesson carefully. Okay, dear? Bye.